नमस्कार दोस्तों, पीएमना टेक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा टीपी लिंक MR600 राउटर को बीटा वर्जन से डाउनग्रेड कैसे करें। यदि आपने अपने राउटर को बीटा वर्जन में अपग्रेड किया है, अब आप चाहते हैं कि ओरिजिनल वर्जन में कैसे आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था टीपी लिंक MR600 राउटर को अपग्रेड कैसे करें। उसके बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि टीपी लिंक MR600 पर बैंड सिलेक्शन को कैसे डालें। जब भी हम अपडेट करते हैं तो इससे बैंड सिलेक्शन गायब हो जाता है, तो बैंड सिलेक्शन लाने के लिए बीटा वर्जन में अपग्रेड करना होता है। तो यदि आपने भी TPR MR600 राउटर को बीटा वर्जन में अपग्रेड किया है और अब आप ऑफिशियल वर्जन में आना चाहते हैं, उसको डाउनग्रेड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो यार वीडियो को लाइक किया करो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना राउटर को लैन केबल से कनेक्ट कर लेना है। लैन केबल से कनेक्ट करने के बाद अपने ब्राउजर को ओपन करें और यहाँ ऊपर की तरफ टाइप करें 192.168.1.1। उसके बाद में इंटर बटन दबा देना है। उसके बाद में आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, अपना एडमिन पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। मैंने कुछ देर पहले ही लॉगिन किया था, इसलिए मुझे लॉगिन करने के लिए नहीं बोला, ये डायरेक्ट ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, एडवांसेड पर क्लिक करना है। उसके बाद में सिस्टम टूल्स पर क्लिक करें। अब फर्मवेयर अपग्रेड इस पर क्लिक करें। अब हम किसी फाइल के द्वारा लोकल अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप ऑफिशियल वर्जन में अपग्रेड करना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यस पर क्लिक करें, यह फाइल डाउनलोड होगी। और ये डाउनलोड भी हो गई है। उसके बाद में राउटर रिबूट होगा, आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस चैनल पर मैं हर दिन एक दो वीडियो डालते रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ही काम के होते हैं। उसके बाद में इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब फिर से इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, अब आप फिर से लॉगिन कर लीजिए। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो देखते हैं। एडवांस पर क्लिक करते हैं, सिस्टम टूल पर क्लिक करते हैं, फिर वहाँ अपग्रेड पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं फर्मवेयर अपग्रेड हो गया है। इस प्रकार से आप अपने TPR MR600 राउटर को डाउनग्रेड कर सकते हैं और ऑफिशियल वर्जन में अपग्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।